आज उन एहतराम बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, मेरी की साथियों, मुल्क भर और बैरून मुल्क, दुनिया भर में जहां जहां ये मेरा लेक्चर, ऑडियो लेक्चर सुना जाएगा या सुना जा रहा है, उन सब लोगों को खुसूसन दिस लेक्चर इज स्पेशली दिस लेक्चर विच आई एम गिविंग आर स्पेशली फॉर यूथ to understand the history of Pakistan and factual and actual and historical, kyunki hamari history bhi distort kar di gayi hai, facts ko distort kar diya gaya hai, to sab logon ko jo jo sun raha hai और सुनने वाले वो अस्सलाम वालेकुम। आज जो यूथ के लेक्चर्स का सिलसिला है, हालात के सबब वो रुक गया था, आज से उसे दोबारा शुरू कर रहे हैं। इस वक्त लंदन वक्त के मुताबिक 10 बज रहे हैं रात के, लेकिन पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इस वक्त 3 बज रहे हैं रात के या सुबह के, कह लीजिए आप। लंदन में 26 फरवरी 2017 है और पाकिस्तान में 27 फरवरी 2017 है और पीर सोमवार, पीर का दिन है, मंडे का दिन है, तो इसको आप, क्योंकि ये मंडे को ही यानी अब इसको जो साथी इसको बनाते हैं वो बनाते बनाते उन्हें यकीनन यहां लंदन में भी 27 तारीख हो जाएगी, तो इस लेक्चर को यूं समझ लीजिए ये 27 फरवरी 2017 का लेक्चर है, जो एक तसलसल के साथ 4 लेक्चर दिए गए इस उन्वान से कि हिस्टोरिकल फिलोसफिकल एंड फैक्चुअल टीचिंग लेक्चर्स फॉर यूथ। बहुत सी जगहों पर आगे पीछे अल्फाज हो गए हैं, यानी कहीं फिलोसफिकल हिस्टोरिकल हो गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल आज से इसको इस तरह लिखिए, चाहे तो फिलोसॉफिकल से शुरू करें, चाहे तो हिस्टोरिकल से शुरू करें, ये जो इसको फाइनल जब इसके किताबी शक्ल देंगे तो वो लोग फैसला कर लेंगे। हिस्टोरिकल पहले होना चाहिए या फिलोसॉफिकल पहले होना चाहिए? बहरहाल
इसका जो हेडलाइन है, इसकी हेडलाइंस हिस्टोरिकल फिलोसफिकल एंड फैक्चुअल टीचिंग लेक्चर्स यूथ फॉर यूथ पार्ट 5 पांचवा हिस्सा, 4 हिस्से यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आप सुन चुके हैं। आज ये पार्ट 5 है और आज मैं शुरू करना चाहता हूं बात को के जो पूरी हमारी हिस्ट्री का अगर निचोड़ निकालें या महवर कहें या मरकस कहें तो सबका जहन एक ही तरफ जाएगा। जब भी पाकिस्तान का नाम आएगा तो यकीनन उसके बानी का भी नाम आएगा, उसको बनाने का बनाने वाले का भी नाम आएगा। बानी है पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान, रहबरे पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के बानी पाकिस्तान को बनाने की तहरीक जो थी, उसके कायद जो थे वो कायद आजम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह थे। कायद आजम मोहम्मद अली जिना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए, यानी 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए, इस दुनिया में आए। और 11 सितंबर को वो इस दुनिया से कूच कर गए। अल्लाह ताला के पास चले गए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने
ابتدائی تعلیم کراچی میں مدرسہ اسلام نامی اسکول میں حاصل کی اور پھر آپ نے میٹرک کرنے کے بعد پھر لندن چلے گئے اور وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرسٹری کی تعلیم حاصل کی اور بیرسٹر بنے. قائد اعظم میں اللہ تعالی نے ایک اور چیز بھی, یعنی ان کو جو فہم فراست دانش, یعنی فہم فراست اور دانش جو عطا فرمائی تھی, جو لیاقت عطا فرمائی تھی, جو طاقتور ذہن انہیں دیا تھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے کچھ کریں. سو انہوں نے اس خدا کے عطا کردہ جذبے کے تحت جد و جہد کی اور بالآخر برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد وطن پاکستان قائم کر کے دیا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے پہلے 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس, انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی. قائد اعظم دراصل شروع ہی سے انتہائی اچھی طبیعت کے, ذہنیت کے مالک تھے, ایماندار تھے, وقت کی پابندی کرنے والے تھے, سچ بولتے تھے. اور وہ شروع ہی سے ہندو اور مسلم اتحاد کے دائی تھے. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو آپس میں انگریز کے آنے سے پہلے جس طرح مل جل کر رہتے تھے اسی طرح رہیں, کیونکہ انگریزوں نے ظاہر ہے کہ انہوں نے برصغیر کو فتح کیا تھا, کونکر کیا تھا. ظاہر ہے انہیں وہاں پر نہ صرف اپنا اقتدار بھی قائم کرنا تھا بلکہ اس اقتدار کو طول بھی دینا تھا.
सल्तनत बरतानिया का हिस्सा बनाना था। अंग्रेजों ने शुरू से कोशिश की कि मुसलमान और हिंदुओं में किसी तरह नफरत पैदा की जाए और इतनी पैदा की जाए कि एक दूसरे को ये बर्दाश्त करने के काबिल ही ना रहे और लड़ते रहे ताकि हिंदुओं मुसलमानों की मुत्तहिदा कोशिश अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी सफ आरा इस तरह न हो सके कि हिंदू और मुसलमान मिलकर अपने मुल्क की आजादी के लिए कोई तहरीक चलाए, जिद्दोजहद करें, लिहाजा इनको आपस में लड़ा दो, डिवाइड एंड रूल। और यही पॉलिसी ताकतवर कुव्वतें ममालिक इस्तेमाल करते चले आए हैं और यही फार्मूला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो सबसे ज्यादा ताकतवर है यानी फौज और उसकी एजेंसियां जिसमें सरे फहरिस्त ISI है, जिसका मकसद होना तो जिसका मकसद बजाहिर तो यह है कि मुल्क की सलामती बका के लिए अंदरूनी दाखली और दाखली मुल्क में जो रास्ते हैं दाखिल होने के उन सब जगहों पर निगाह रखेगी कि दुश्मन कोई मुल्क में या दुश्मन के एजेंट्स कोई सरहद पार करके मुल्क में दाखिल तो नहीं हो रहे। लेकिन ISI का जो शुरू से काम रहा, बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि ISI बनी कब थी। लोग समझते हैं कि ISI जियाउलक के जमाने में बनी थी, जनरल जियाउलक के जमाने में बनी थी। जी नहीं, अंग्रेज ने 1948 में यानी सल्तनत बरतानिया ने, अंग्रेजों ने 1948 में ISI की बुनियाद पाकिस्तान में रखी थी। तो ISI 1948 में कायम हुई थी, ये मैं यूथ के लिए बता रहा हूं ताकि उनको मालूम हो कि ISI जो एजेंसी है पावरफुल, लेकिन उसने दुश्मनों के तो ना एजेंट्स पकड़े ना दुश्मनों से बचाव के कोई तरीके अख्तियार किए, बल्कि एक काम जो अंग्रेज से उन्होंने सीखा था, डिवाइड एंड रूल। इनको ISI को हुक्मरानी का ऐसा चस्का लगा और फौज को कि इन्होंने जमहूरी जमातों में ग्रुप बनाना शुरू कर दिए, मुस्लिम लीग में कई ग्रुप्स बना दिए,
जमीयत उलमाए इस्लाम में कई ग्रुप बना दिए, जमीयत उलमाए पाकिस्तान में कई ग्रुप बना दिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कई ग्रुप बना दिए। और कौन सी पार्टी रह गई है पता नहीं, और कौन कौन सी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो जिसमें आईएसआई ने ग्रुप ना बनाए हो। एक पार्टी एमक्यूएम थी जिसके लोग न दिखते थे न झुकते थे, डिसिप्लिन इतना मजबूत था, नजरियाती तरबियत इतनी अच्छी थी, लेकिन कुछ बेजमीर जमीर फरोश कुछ खराब खून रखने वाले ऐसे होते हैं जो अपने नजरिए अपनी कौम अपनी माँ अपनी बहन अपनी बेटी का सौदा करने के लिए अपने मफाद की खातिर तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा ही एमक्यूएम में आईएसआई बड़े दिनों से तलाश कर रही थी, बिलाखिर हकीकी की शक्ल में उन्हें आमिर और आफाक की शक्ल में उन्हें जमीर फरोश गद्दार मिल गए, जो 19 जून 1992 के फौजी ऑपरेशन में जो मुहाजरों के खिलाफ किया गया उसमें फौजी ट्रकों में बैठ कर आए और जो कत्लो गारत करी लूटमार औरतों का रेप बच्चियों का रेप लूटमार और तमाम ऑफिसों पे कब्जे जो गुंडागर्दी का बाजार गर्म किया, उससे आप यूथ तो वाकिफ नहीं होंगे लेकिन आपके वालदैन जरूर वाकिफ होंगे। आप जरा वालदैन से पूछें, अपने बड़े भाइयों बहनों से पूछें, वो आपको बताएंगे कि 92 में जब ये दाखिल हुए थे 19 जून 1992 को, 19 जून 1992 को दे एंटर्ड इन कराची ऑन आर्मी ट्रक्स। ये ट्रक नहीं होते हैं जिसमें आर्मी के फौजी ट्रक बड़े बड़े, उसमें आर्मी इनको लेकर आई थी, आर्मी लेकर आई थी, इनको असला दिया था, इनको पैसे दिए थे, बंदूकें दी थी, असला दिया था और मारने का खुला लाइसेंस दिया था और इसके अलावा कार्ड्स बना के दिए थे, स्पेशल कार्ड्स। पूरे शहर में कर्फ्यू था, कराची में कोई नहीं निकल सकता था, लेकिन हकीकी वालों को असला लेकर खुली आजादी थी कि वो जहां जाए। बात बड़ी हो जाएगी। खैर, एक ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद मुझ पर कातिलाना हमले कराए गए और आखिर में खुदकश हमले कराए गए। अल्लाह ने मुझे बचाया, साथियों ने कहा, अवाम ने कहा आप बाहर चले जाइए, वहां से जाके हमारी रहनुमाई कीजिए। 26 साल तक मैं तहरीक चलाता रहा। इस दौरान 92 का ऑपरेशन तेज से तेज तर होता रहा और हम भी अपना काम बाहर बैठ के जितना हो सकता था वो करते रहे,
लिखने लिखाने का इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो इदारे हैं उनको तमाम तरह हालात लिख कर भेजते रहे। बिलाकर अब फौज खुद तो चली गई लेकिन उसकी जगह रेंजर्स और बताए चली गई थी, रेंजर्स और सिविलियन गवर्नमेंट को दे गई, कभी पीपल्स पार्टी को दी तो नसीरुल्ला बाबर उनका कमांडर इन चीफ की हैसियत से उसको इख्तियार दिए गए। किसको? रिटायर्ड जनरल नसीरुल्ला बाबर को। जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में कहता था कि मैं अदालतों में पेश नहीं करूंगा, ये रिकॉर्डेड है, बल्कि मैं तो पकड़ता हूं मारता हूं। और फिर जब लाशें थाने पहुंचा करती थी तो ये थानों में जाके लाशों पे कूदता था और कहता था जो साथी शहीद है उठो खड़े हो मुझसे मुकाबला करो। शहीद साथियों की लाशों पे ये नसीरुल्ला बाबर कूदता था और बेनजीर भुट्टो मरूम साहिबा कत्ल करने वाले मावराए अदालत एक्स्ट्रा जुडिशियली कत्ल करने वाले सिपाहियों को सलूट करती थी और मेडल्स देती थी, तारीफी असनाद देती थी। इसलिए कि उनका इख्तदार तवील तर हो जाएगा और फौज उनसे खुश हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह क्या दे रहे अंधे नई मकाफात है हमारे उसी फौजियों की हुकूमत में उनको दिन की रोशनी में कत्ल किया गया और कातिल आज तक नहीं पकड़े गए। नवाज शरीफ के दौर में ऑपरेशन शुरू हुआ, दूसरा ऑपरेशन जो है 1997 में, तीसरा चौथा पांचवा पता नहीं कौन सा ऑपरेशन, जब गवर्नर्स रूल लगाया सिंध में तो शुरू हुआ, फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर मावराए अदालत कत्ल। फिर 1999 में नवाज शरीफ की भी हुकूमत खत्म हुई, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई। उस दौर में भी इब्तदा में गिरफ्तारियां मावराए अदालत कत्ल होते रहे, लेकिन चंद अरसों बाद उनकी कैबिनेट ने उन्हें मशवरा दिया। बहरहाल उस दौर में जितना अरसे वो रहे वो उस दौर में ISI, MI, आर्मी इन सब से काफी अच्छे ताल्लुकात हुए और हमने कहा कि जो इल्जामात हैं सब झूठे हैं,
आप तस्दीक कर लीजिए, बिलाखिर झूठे इल्जाम तो सब थे ही और उन्हें भी मालूम था। वो दौर जरा सा थोड़ा सा पीरियड जरूर बेहतर गुजरा है जिसमें हमने तरक्कियाती बेपना काम किए, सब कुछ किया, बड़ी आवाम की खिदमत की, लेकिन फिर उनके जाने के बाद फिर जब अपने सरदारी साहब की हुकूमत आई, मैंने उनका नाम पेश किया, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में भी जो महाजरों के साथ नाइंसाफियां और कत्ल आम हुआ, हर मुलाकात में मैं सरदारी साहब से कहा करता था कि क्या हो रहा है, इस नाइंसाफी को बंद कर रहा है, लेकिन वो कहते थे मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, ये हम नहीं कर रहे, ये फौज करती है। बहरहाल हमेशा वो हर चीज फौज के ऊपर डालकर खुद पर ही जिम्मा हो जाया करते थे। उसके बाद उनकी हुकूमत भी खत्म हो गई, नवाज शरीफ की हुकूमत आई। तो खैर इस तमाम अरसे के दौरान 1992 के ऑपरेशन के दौरान से पहले हकीकी बनाई, ऑपरेशन के बाद चेयरमैन अजीम अहमद तारिक मरहूम जो हैं उनके जरिए हाजी कैंप बनाकर तमाम एमपीएस एमएनएस वगैरह को जमा किया गया और मेरे खिलाफ वही जो फार्मूला जनरल आसिफ नवाज ने 19 जून 1992 को दिया था, तमाम कौमी अखबारात ने छपा था। उसने कहा था कि अल्ताफ हुसैन का चैप्टर हैज बीन क्लोज्ड फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए उसका चैप्टर क्लोज हो गया है। और जब तमाम जमातों में कई जमातें और बन सकती हैं, ग्रुप बन सकते हैं, तो एमक्यूएम में और ग्रुप क्यों नहीं बन सकते, ये सब रिकॉर्ड पर है। पता नहीं आसिफ नवाज का नाम लोग, नई नस्ल जनरल आसिफ नवाज मरहूम का और नई नस्ल तुम शायद नहीं जानती होगी, यकीनन नई नस्ल नहीं जानती होगी। ओ वहां पे फिर उसके बाद वो चले गए हाजी कैंप बना, सब कुछ हुआ, सारा पैसा पार्टी का खत्म कर दिया गया, जो मैंने रिजर्व जमा करा के बुरे वक्तों के लिए रखा था। मैं यहाँ इन्हीं लोगों के कहने पे आया था मरकजी कमेटी के, मुझे यहाँ पर उस पैसे में कोई पाई पैसा नहीं भेजा गया, मैं फरियाद करता रहा। बिलाखिर रोजनामा अमन शाहिद है, रोजनामा अमन शाहिद है 1992 के अखबार, जरा रोजनामा अमन में यूं छा के देखे, एडवर्टाइज
प्रताप भाई को कोर्ट नोटिस आ गया है लंदन में, टेलीफोन के बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं, मेरे पास 5 पाउंड भी नहीं थे। हमने सोचा कि हम 3 आदमी हैं, एक मैं, एक नदीम नुसरत और दूसरे खलील, चलाओ कुछ काम करते हैं। तो नदीम नुसरत और हमने सिद्दीकी साहब ने, इन्होंने एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे कोई ऐसा काम जाके घर पे दे दो जो मैं घर पे बैठ के करता रहूं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो घर पे भी होते हैं, तो यानी ये नौबत आ गई थी। बहरहाल अल्लाह ने ये वक्त भी निकाल दिया। मेरे भाइयों, अब फिर ज़र्बे अस्त की आड़ में हमको उल्लू बनाया गया है। हम शुमाली वजीरिस्तान में अलकायदा के और धमाका करने वाले और खुदकश हमले करने वाले दहशत गर्दों का सफाया करेंगे, इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दुनिया भर के दावे, तो शुमाली वजीरिस्तान में किया, घरों को खाली कराया ताकि ये रंग दिया जाए कि हम बाकी ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे ही भाई घरों को बेचारे मासूम मासूम पख्तूनों को IDPs की शक्ल में कैंपों में ले जाया गया उनके घरों से दूर, वैसे ही दूसरी तरफ इशारा दिया गया जो धमाके करने वाले इनके ट्रेंड याफ्ता दे भाग जाओ, उन सबको भगा दिया और खाली मकानों पे बम जरा के उसकी तस्वीरें दिखाई कि हमने इतने जनाब दहशतगर्द मार दिए। और फिर राहील शरीफ, जनरल राहील शरीफ ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बयान दिया, हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है और दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा कर दिया है। और आजकल यूथ, माई डियर यूथ, यू आर पर्सनली गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड यू आर ऑब्जर्विंग एवरी डे फ्रॉम न्यूज पेपर, फ्रॉम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट ISPR is releasing news, different news at different news that हमने फला जगह इतने दहशतगर्द मार दिए, फला जगह 100 मार दिए, फला जगह 300 मार दिए, फला जगह 25 मार दिए, फला जगह 50 मार दिए, फला जगह। अरे भाई, जिनकी कमर तोड़ दी थी अचानक, इनकी कमरें सबकी दहशतगर्दों की किसने जोड़ दी? कौन सी फैक्ट्री लगा दी थी भाई कमर जोड़ फैक्ट्री? आज तक बरतानिया में नहीं बनी कमर जो कमर तोड़ वाली, जिसकी कमर टूट गई हो उसको जोड़ने की कोई फैक्ट्री बरतानिया में बनी हो? अभी तक नहीं है, लेकिन ये फौजियों के पास है, पाकिस्तानी फौज के पास है कमर जोड़। दहशतगर्दों की कमर जोड़
थी, तमाम कबर तोड़ दहशतगर्द पाकिस्तानी फौज आईएसआई से रब्ता करे वो कमर जोड़ देंगे उनकी। पता नहीं कहां से ये दहशतगर्द निकल रहे। बात दरअसल ये थी कि 13 में जो ऑपरेशन शुरू किया गया गर्भ आज पहले किया गया था 1992 में, खुदा की कसम। आज एक बात और सुन लो, आपने एक आदमी का नाम सुना होगा फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार, ये इतना झूठा आदमी है, इससे पूछो कि 92 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो जनरल आसिफ नवाज ने जब कहा कि हम सिंध में ऑपरेशन करने वाले हैं तो 172 बड़ी मछलियों की फहरिस्त पेश की, जिसे कौमी असेंबली में पेश किया गया। उसमें पथारेदारों के नाम थे, उसमें बेनजीर के कामदार के नाम थे, पीर पगारा के कामदारों के नाम थे, पीर पगारा के लोगों के नाम थे, उसमें केटी जतोई के नाम थे कि यहाँ डाकुओं को पनाह दी जाती है, यहाँ बड़े बड़े डाकुओं के नाम थे उसमें, पता नहीं कितने बड़े बड़े नामी गिरामी। उनमें से किसी एक आदमी को टच नहीं किया गया खुदा की कसम, और ऑपरेशन किया गया तो सिर्फ और सिर्फ MQM के खिलाफ अमलन। यही 2013 में जनरल राहिल शरीफ के जरबे अस्त में हुआ। आप देखिए ना, ये जरबे अस्त में अगर राहिल शरीफ ईमानदार होता तो सऊदी अरब ने कहा कि 38 मुस्लिम ममालिक की या 29 इस्लामी ममालिक की मुश्तरका फौज के तुम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाओ तो ये राजी क्यों हो गया। उसको तो पाकिस्तान ने इजाजत नहीं दी, वरना तो ये जा रहा था वहां पर, इसको ये परवाह नहीं कि जब इन हालात में, जबकि शाम में भी जो मुसलमानों का मुल्क है जंग जारी है, और बहरीन और बहुत से इलाके हैं, इराक, लीबिया, इनका क्या होगा। लेकिन उन्होंने तो यहां पे अपना काम किया और माल पकड़ा, जमीन पकड़ी अरबों की राहिल जनरल राहिल शरीफ ने, और मजीद लूटने के लिए आगे बढ़ने लगे। खैर अच्छा हुआ जाने नहीं दिया इनको, हमें परवाह नहीं है, इनको भेजना अच्छा है। पाकिस्तान की जितनी बदनामी अब हो रही है, अब रही कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के पास, सब कुछ तो उतर चुका है, इज्जत तार तार हो चुकी है पाकिस्तान की दुनिया की नजरों में। उसकी जिम्मेदार फौज है और बड़े जागीरदार सियासी और मजहबी जमातें हैं जो हुक्मरान रही हैं। किसी में हिम्मत नहीं है ये फौज के आगे सर उठाकर गोली खा ले, छुपके जरूर खाई, सामने आगे किसी ने नहीं खाई।
सब बिल्ली बन गए, सब चूहे बन गए। तो चौधरी निसार से पूछो, उस वक्त भी ये मिनिस्टर था और इसने कौमी असेंबली में 2 मरतबा 72 अफराद की फहरिस्त पेश की थी। इससे आज भी कोई जाके पूछे कि कुरान शरीफ पर हाथ रख के बताओ चौधरी निसार उस फहरिस्त पर अमल किया गया, एक भी पकड़ा गया, या सारा फौज का ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ मासूम कारकुनों के कत्लेआम के लिए किया गया। अब तक 20,000 से ज्यादा कारकुनान मारे जा चुके हैं और आप और जनरल राहील शरीफ के जमाने में ही ISI का चीफ रिजवान अख्तर था, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल राहील शरीफ, और ये बिलाल अकबर DG रेंजर्स था, नवेद मुख्तार जो है ये कराची का कोर कमांडर था। और महाजनों का कत्लेआम होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा। कोई नहीं रुकवा सका, हजारों अपीले की, मैंने लेटर्स लिखे, मगर जिसकी कोई शर्म हो या जो शर्म के मानों से वाकिफ हो, जो शर्म जिसके अंदर हो ही ना, बेशर्म हो, तो उसे आप क्या कहिए, एक पागल। कत्ल को बर्तानिया ने क्यों बंद कर दिया, वो क्या कहते हैं, Why did they close the money laundering case? मुझे तो बड़ा अफसोस होता है बर्तानिया के इस अमल पर। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि कभी कहता है रेड वारंट के लिए हमने FIA को दरख्वास्त दे दी है, तो रेड वारंट वालों ने रेड लाल झंडी इनको भी दिखा दी कि जाओ वहीं रुके रहो। आगे मत बढ़ाना इससे, वरना रेड वारंट तुम्हारे जारी हो जाएंगे। तो बर्तानिया में आज भी कह रहा है कि बड़ी पेशरफ्त हुई है, फला 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 के वारंट जारी हो गए। कहने का मेरा मकसद यह है कि
मेरे खिलाफ। चौधरी सर क्यों बोल रहा है? इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? जरदारी के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? और लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? एमक्यूएम के खिलाफ क्यों बोलता है? तो आईएसआई ने डिवाइड एंड रूल अंग्रेज से सीखा। ये अंग्रेज के जूते साफ करने वाले लोग थे, ये उनकी औलादे हैं। इनके जो बुजुर्ग थे वो भी फौज में थे, ब्रिटिश फौज में थे, यानी ब्रिटिश फौज, यानी सल्तनत बरतानिया की फौज में इनके बाप दादा परदादा वहां मुलाजिम थे और वहां अंग्रेजों की जूतियां साफ करने पर मामूर थे। ये उनकी औलादे हैं और वहीं से सारी तरह की भी इन्होंने साजिशों की सीखी है। डिवाइड एंड रूल। अब जितने क्रिमिनल्स मैंने एनक्यूएम से निकाले, चाणक कटिंग के सिलसिले में, रिश्वत सतानी के सिलसिले में, भत्ता खोरी के सिलसिले में और लोगों की जमीनों पे नाजायज कब्जा करने के जुर्म में, इल्जाम में जितने लोगों को मैंने निकाला, वो भाग गए मुल्क से कि अब कहीं उनके नाम निकाला है उन, और पुलिस को आईएसआई को सबको मालूम है, कोई पकड़ ना ले, भाग गए दुबई चले गए। दुबई में आईएसआई का बड़ा असर रसूख है। आईएसआई वालों ने हाथों में गोदों में इनको लिया, खूब मुंह में फीडर दिया और इनका ग्रुप तैयार किया, सारे डाकुओं चोरों भत्ताखोरों जमीन पर कब्जा करने वालों, लैंड माफिया स्ट्रीट क्राइम करने वालों, रेपिस्ट, इनको जमा किया और कराची लाकर कमालू ग्रुप बनाया, जिसको कहते हैं जमीन, यानी चाइना कटिंग ग्रुप, कमालू ग्रुप नहीं, चाइना कटिंग ग्रुप, भत्ताखोर ग्रुप, रेपिस ग्रुप, लूट मार ग्रुप, इस पर मबनी एक ग्रुप बनाया। बाकी जो थे, किसी की मां को, किसी की बहन को, किसी के बेटे को पकड़कर, किसी एमएलए के सामने, किसी एमपीए के सामने लेकर आए, तो लाकर, तो एक फारूक सत्तार और दीगर और लोग जो थे, जो चेक चेक के आज पीआईबी में डरा रहे लोगों को फोन करके और लोगों के पते बताकर उन्हें गिरफ्तार करवा रहे हैं। तो गद्दारों, तुम पहले भी एजेंट बन चुके थे, तुमने झूठे कुरान उठाए, तुमने झूठी कस्में खाई। कहते हैं अल्ताफ हुसैन को हमने निकाल दिया, सारे एमएनएस एमपीएस फारूक सत्तार समेत सब बताए कि उन्होंने तहरीक और अल्ताफ हुसैन से वफादारी का हल्फ नहीं उठाया।
को पार्लियामानी लीडर, मैंने किसी को कोच, किसी को कोच, अपनी तौसीख करके मैंने तौसीख की तो वो बने, तो मैंने मेरी अमानत हुई यानी तहरीक की अमानत, इनके पास एमएनएशिप, एमपीएशिप, एमएनएशिप, एमपीएशिप और सेनेटरशिप, ये सब अमानत कुरान मजीद की। मैं अब चल एक और खिताब करने वाला हूँ जिसमें अमानत में खयानत करने वालों का के बारे में कुरान मजीद क्या कहता है, अहदीस, इन पे तो असर नहीं होगा क्योंकि इनका कोई दीन नहीं, ईमान नहीं। अब मैं और इससे ज्यादा नहीं जाता, अल्लाह बेहतर जानता है। एक बाप वाले ऐसा ऐसी अमानत में खयानत नहीं करते। कितनी दफा मैंने कहा इस्तीफा दे दो, जान जाती है तो जाए पर अमानत में खयानत ना हो। रोज़े महशर तुम अल्लाह के आगे जवाब तो दे सकते हो। बेशर्मो शर्म करो, तौबा करो अल्लाह के आगे, आज ही मौका है कि इस्तीफा दे दो, सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दो। शहीदों के लहू की अमानत है, पार्टी की अमानत है। फारूक सत्तार झूठ बोलता है, मेरी तौसीख से वो पार्लियामानी लीडर बना और इलेक्शन कमीशन में मेरी तौसीख से वो इंचार्ज बना, पार्लियामेंटेरियन। तो ग्रुप बना दिए पार्टी के अंदर, कैसे, जैसे अंग्रेज ने ग्रुप बनाए कि कायदे आजम जो शुरू से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई थे, वो चाहते थे कि कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में किसी तरह का ऐसा इत्तेहाद हो जाए, यूथ, पर्टिकुलरली यूथ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट वाज द डिजायर ऑफ कायद, कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह, ही वांटेड यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। वो चाहते थे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में किसी तरह का भी ऐसा इत्तेहाद हो जाए, ऐसा इत्तेहाद हो जाए, ऐसा इत्तेहाद हो जाए कि हिंदुओं और मुसलमानों को उनके जायज हिस्से, जरा गौर से सुनिए, उनके जायज हिस्से के मुताबिक, दोनों को उनके जायज हिस्से के हो मुताबिक दोनों को उनके हुकूक मिले, ताकि किसी को ऐसा से महरूमी ना हो। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कांग्रेस से 1919 से इख्तलाफात तेज होना शुरू हो गए। कांग्रेस से कायदे आजम के 1919 से कायदे आजम के कांग्रेस से इख्तलाफात तेज से तेज तर होना शुरू हो गए और 1920 में उन्होंने कांग्रेस से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार कर ली।
जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस हिंदुओं का फेवर कर रही है, मुसलमानों को सब्जुगेट कर रही है, नजरअंदाज कर रही है, तो उन्होंने अलहदगी अख्तियार कर ली। साफ साफ कायदे आजम बहुत अकलमंद थे, समझदार थे, दूरअंदेश थे। उन्होंने 1916 में ही, यानी 1913 में उन्होंने शमू 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग में भी शमूलियत अख्तियार कर ली थी, जबकि वो कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन उन्होंने शमूलियत मेंबरशिप मुस्लिम लीग में भी 1913 में हासिल कर ली और 1916 में वो मुस्लिम लीग के सदर बने। लेकिन जैसा पहले मैंने बताया कि वो कांग्रेस में 1919 तक शामिल रहे और बिलाखिर उन्होंने 1920 में कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार कर ली। 1927 में जरा 1927 जरा यूथ इस पे गौर करो, 1927 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, देखिए अंग्रेज की चाल और चाइना कटिंग ग्रुप और PIB अमानत में खयानत करने वाला ग्रुप 1927 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, डिवाइडेड इंटू 2 मुस्लिम लीग, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रही जिसकी कयादत और सरबराही कायदे आजम के पास रही, कायदे आजम कर रहे थे, जबकि दूसरी मुस्लिम लीग जो सूबे पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सर मियां मोहम्मद शफी ने बनाई थी वो उसके सदर बने। माई डियर यूथ, आई लव यू सो मच, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू बिकॉज यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन माई लेक्चर्स, आई लव यू, प्लीज ट्राई टू लर्न एंड सेव द नेशन, मुहाजिर नेशन, नोबडी इज ऑन अर्थ एक्सेप्ट गॉड, एक्सेप्ट Almighty Allah can save us, can provide us shelter, can provide us a place where we can live with honor and dignity. Qaid-e Azam ke zamane mein sab ye shuru ho gayi thi। अंग्रेज ने कायदे आजम की मुस्लिम लीग में भी 2 मुस्लिम लीगें बना दी। खाली नाम बता दे दूसरी मुस्लिम लीग के शख्स का ताल्लुक कहां से था और कौन था। जी, दूसरी मुस्लिम लीग सूबे पंजाब से ताल्लुक उनका था और वो सर मियां मोहम्मद शफी थे, उसके सदर थे। सुन लिया, नहीं सुना अभी आपने, दूसरे का ताल्लुक कहां से था। पंजाब से उनका ताल्लुक और उसके सदर सर मियां मोहम्मद शफी। सर मियां मोहम्मद शफी, कायदे आजम ने कायदे आजम को सर का खिताब नहीं दिया, सर मिस्टर मोहम्मद अली जना, क्योंकि कायदे आजम अंग्रेजों के ताउट नहीं थे, ये सर का खिताब
अमूमन उन्हें ही मिलता जो टाउट होते थे। सर मियां शफी ने बनाई थी, वो उसके सदर बने, जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शफी ग्रुप रखा गया। ये ग्रुप कायदे आजम का शदीद मुखालिफ था। आई डियर यूथ, मे आई टेल यू वन मोर थिंग, मे आई विद योर परमिशन आई कैन गो फर्दर। कोई भी यूथ जो मेरी बात यहां सुन रहा है, इंटरनेशनल सेक्रेटरिएट में यूथ कोई एक बोल दे मैं आई गो फर्दर, वुड यू माइंड इट व्हाट आई एम गोना से और नॉट? वी लव टू हियर भाई। यू लव टू हियर, ओके। आओ साथियों, एक बात और सुन लो, हामिद मीर साहब एक होते हैं जिनके तीन गोलियां मारी गई, आज तक उन्होंने नहीं बताया किसने मारी क्यों मारी। खामोश। और मेरा तराना पंजाब में ही इज अ पंजाबी गाई हामिद मीर, और कई दफा दिखा चुका है कि अल्ताफ हुसैन ने कहा द डिविजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज द ब्लेंडर मिस्टेक इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यस, मैं अब भी इस बात पर स्टैंड करता हूं, इससे बड़े शरीर की तकसीम से बड़ी कोई गलती दुनिया में किसी खत्ते में हूं ही नहीं, ना ये तकसीम होती न पाकिस्तान बनता, न हमको हिजरत करनी पड़ती, न ताने सुनने पड़ते कि तुम सन ऑफ द सॉइल नहीं हो, तुम जमीन के बेटे नहीं हो। आओ जरा हम मिल के गाएं जिसपे इनकी सुलगती है, मेरी आवाज बैठी दी है। साथियों ने कहा आज आप रिकॉर्ड न कराए, मैंने कहा नहीं, बहुत देर हो जाएगी, मुझे बहुत काम करने हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है। आओ जरा मिल के गाएं। कहोगे हैं? अच्छा जरा कहा, चलो सुनो, बोलो। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये है
ये मैंने क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा कि अब आ रहा है शायर मुशरिक, तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक, तसव्वुर पाकिस्तान के मौजूद पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका कलाम है। अल्लामा इकबाल के दीवानों में जितने दीवान है उसमें पढ़ लीजिए। राम 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 सीता राम 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 करम है सब कुछ राम से राम सबका राम से राम 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 राम। हजरत अल्लामा इकबाल का कलाम मेरा नहीं है ये। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक, ये मेरा कलाम नहीं है, ये अल्लामा इकबाल का कलाम है। पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। है कोई किसी के पास निकला हुआ? यार बहुत अच्छा है, जल्दी से किसी के पास हो तो। राम का और गुरु नानक का तो सुनाई दो। अच्छा साथियों, मेरे साथी बहुत अच्छे प्यारे साथी हैं, देखो कितने अच्छे साथी हैं। ये PIB के टोले की तरह अमानत में खयानत करने वाले बेगैरत नहीं है, शर्म नहीं है। मैंने कहा इन्होंने फौरन निकाल लिया। लो सुनो जी भैया, राम के बारे में आवाज नहीं आ रही है जी। मैं करीब जी, राम के बारे में अल्लामा इकबाल की ये नज़्म है जो कि कुल्लियात इकबाल में मौजूद है जी। इसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद, सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के राम हिंद, ये हिंदियों के फिक्र फलक रस का है असर, रिफात में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद, इस देश में हुए हैं हजारों मलिक सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद, एजाज इस चिराग़े हिदायत का है यही, रोशन तरज सहर है ज़माने में शाम हिंद, तलवार का धनी था शुजात में फ़र्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फ़र्द था। ये राम के बारे में अल्लामा इकबाल की नज़्म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जी भाई, ये बाबा गुरु नानक के बारे में अल्लामा इकबाल की नज़्म है जिसका उन्वान है नानक। कौम ने पैगाम गौतम की ज़रा परवाह न की, कद्र सच्चाई ना अपने गौहरे यक दाना की, आह बदकिस्मत रहे आवाज़ हक से बेखबर,
गाफिल अपने फल की शीरीनी से होता है शजर, आशकार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफे पर नाज था, शम्मे हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई लेकिन जमी काबिल न थी, आह शोरों के लिए हिंदोस्तां गम खाना है, आह शूदर के लिए हिंदोस्तां गम खाना है, दर्दे इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है, बरहमन सरशार है अब तक मए पिंडार में, शम्मे गौतम जल रही है महफिले अगियार में, बुतकदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूर इब्राहिम से आज़र का घर रोशन हुआ, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ये नज़्म थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम कोई मुखालफत नहीं कर रहे। देखिए कितने अच्छे वसीउ नजर थे अल्लामा इकबाल, हमने उन्हें मुसलमानों का बना लिया खाली। वो तो सिखों के भी मानने वाले, सिख मजहब के मानने वाले भी थे, हिंदू मजहब के मानने वाले भी थे, वो तो सारे मजाहब को मानते थे। तो अब मैं आपको बताता हूं, आपको मालूम है ना कि इंडिया की दो 1927 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा की क्यादत कायदे आजम कर रहे थे, दूसरे हिस्से की क्यादत करने वाले सर मियां मोहम्मद शफी थे, जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शफी ग्रुप बना रखा था, जैसे हमारे यहाँ ग्रुप बन रहे हैं ना, ऐसे ही बना रखा था। ये ग्रुप कायदे आजम का बहुत मुखालिफ था, बहुत ज्यादा शदीद मुखालिफ था। बस यहां पे एक बात बहुत काबिले गौर है कि हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्ला अलैह ने भी प्रो ब्रिटिश ग्रुप, ये प्रो ब्रिटिश ग्रुप था, प्रो ब्रिटिश ग्रुप मुस्लिम लीग शफी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, और इस मुस्लिम लीग शफी ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल बने। नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर देता हूं, सर मोहम्मद शफी कि जो मुस्लिम लीग थी उसके उसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ शमूलियत इख्तियार की, बल्कि उस मुस्लिम लीग शफी ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल बने। लेकिन 1932 में सर शफी मियां मोहम्मद सर शफी का इंतकाल हो गया, उसके चंद साल के अंदर अंदर मुस्लिम लीग दोबारा एक हो गई, और अल्लामा इकबाल भी कायदे आजम के हामी हो गए, और उन्होंने मुसलमानों के रवैये से नाराज होकर लंदन चले जाने वाले कायदे आजम को, असल में कायदे आजम ने 1927 का रवैया देखा, और जो
मुसलमानों का रवैया देखा तो वो मायूस हो गए थे, वो फिर वो हिंदुस्तान छोड़ के लंदन चले गए थे। तो फिर अल्लामा इकबाल ने एक खत लिखे कि आप दोबारा क़यादत संभाले, आपके अलावा कोई नहीं है, वापस इंडिया आ जाए। फिर खान लियाकत अली खान थे, खान लियाकत अली खान तो चिपक गए कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से, और इस तरह कायद आजम से इतने करीब हो गए कि बिलआखिर कायद आजम को रजामंद करके वापस इंडिया ले आए। और 1937 से दोबारा और बाकायदा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की क़यादत शुरू कर दी, यहां तक कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया। आज का साथियों लेक्चर 5 पार्ट 5 यहीं तक है, अब इसका दूसरा पार्ट वो आप कल यानी एक रोज बाद सुनिएगा, आपके तासुरात का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। वस्सलामु अलैकुम व